सर्बिया के बेलग्रेड में चल रहे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में अभी तक भारतीय महिला और पुरुष पहलवानों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है। भारत के लिए पदक की एक बड़ी उम्मीद महिला पहलवान विनेश फोगाट भी अपना मुकाबला हार कर इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। अब सभी की निगाह भारत के दो स्टार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान पर है। ये पहलवान हैं बजरंग पुनिया और रवि दहिया। अब विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्हीं दोनों से भारत को पदक की उम्मीद है। ऐसे में अब सभी जानना चाहते हैं कि बजरंग पुनिया और रवि दहिया का मुकाबला कब और कितने बजे आरंभ होगा। इसलिए आज हम यहां आपको बताने आए हैं कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में रवि दहिया और बजरंग पुनिया का मैच किस दिन और कितने बजे आरंभ हो जाएगा। इन दोनों के मैच का पूरा शेड्यूल हम यहां आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रवि दहिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में भाग ले रहे हैं। रवि दहिया का क्वालिफिकेशन राउंड का मैच 16 सितंबर को दिन में 2 बजे से 6 बजे के बीच खेला जाएगा। अगर यह अपना क्वालिफिकेशन मुकाबला जीतकर आगे बढ़ते हैं और सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो इनका सेमीफाइनल मुकाबला इसी दिन रात्रि 8:15 से 9:15 बजे के बीच खेला जाएगा। अगर ये अपना सेमीफाइनल मुकाबला भी जीत लेते हैं और फाइनल में प्रवेश कर जाते हैं तो 17 सितंबर की देर रात्रि इनका फाइनल मुकाबला होगा। अब हम बात करते हैं भारत के तरफ से सबसे बड़ी उम्मीद बजरंग पुनिया की। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं। इनका क्वालिफिकेशन मुकाबला 17 सितंबर को दिन के 2 से 6 बजे के बीच खेला जाएगा। अगर ये आगे बढ़ते हैं और सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो इनका सेमीफाइनल मुकाबला इसी दिन रात्रि 8:15 बजे से 9:15 बजे के बीच खेला जाएगा। अगर ये सेमीफाइनल मुकाबला जीत लेते हैं और फाइनल में प्रवेश कर जाते हैं तो 18 सितंबर की देर रात्रि इनका फाइनल मुकाबला होगा।